हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमकेएस गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल हमने जो है ड्रिल के बारे में पढ़ा था, ड्रिल के साथ साथ हमने चीजल के बारे में पढ़ा। आज हम जो मशरूम हेड चीजल होती है उसकी ग्राइंडिंग कैसे करना होता है और मशरूम हेड चीजल के होने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो कल हमने जो है हॉट चीजल, कोल्ड चीजल के बारे में पढ़ा, पूरे टोटल 8 प्रकार की चीजल होती हैं उनके बारे में पढ़ा। उसी में से एक चीजल मेरे पास में है, फ्लैट चीजल, जिसे हिंदी में हम छेनी कहते हैं। इस छेनी का आप ये हेड देख पा रहे हैं, ये हेड पूरी तरह से फैल गया है, यानी कि ये मशरूम की तरह हो गया, आप देख पा रहे हैं। तो इसे जो है आप, मशरूम एक प्रकार का छाता होता है, इसी तरह से ये छाता इसका बन गया है। यदि इसका ये हेड जो है लगातार ऐसे ही फैलते रहा तो जब हम हैमर से इस पे हैमरिंग करेंगे किसी मेटल को काटने के लिए, तो ये जो इसकी जो इधर पे कॉलर लटक रही है, ये कॉलर जो मैकेनिक काम करेगा या जो भी कारीगर इस पे काम करेगा उसको वो लग सकती है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसके लिए हमें जो है इस चीजल के हेड को ग्राइंड करना होता है। तो हमारे पास में ये पेडेस्टल ग्राइंडर है, इस ग्राइंडर को हम ऑन करते हैं। ऑन जैसे ही करेंगे उसके बाद में हम इसकी प्रत्येक सरफेस को ग्राइंड करेंगे। तो आप इसका जो एंगल है ग्राइंड करने का उसको ध्यान से देखिएगा, प्लस इसका जब ऊपर का एरिया ग्राइंड हो जाएगा तो हेड को हम 10 से 12 डिग्री पर टेपर करेंगे, ये भी आपको ध्यानपूर्वक देखना है। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। ये हमारा पेडिस्टल ग्राइंडर है, इस पर ये ग्राइंड व्हील लगे हुए हैं। अब हम यहाँ पर जो है इसकी ग्राइंडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको धीरे धीरे करके इसको ग्राइंड करना होगा, अधिक इस पर लोड नहीं डालना है। सेफ्टी प्रिकॉशंस की दृष्टि से आप जो है इस पर आंखों पे गॉगल लगा सकते हैं और हाथ में ग्लव्स जरूर पहन लीजिएगा। तो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, ये हमने पूरे ये हमारे पास में चीजल थी जिसका हेड पूरा मशरूम हो गया था, हमने इसकी ग्राइंडिंग की है और ग्राइंडिंग करने के बाद इसकी सारी सरफेस को तैयार किया है। इसकी फलके आप देख पा रहे हैं, 1 2 3 3 इस साइड है और 1 2 3 4, यानी कि ये 7 फलकी है। तो ये आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पर इसकी 7 फलक तैयार कर दिया है। इसके साथ साथ ये जो है अष्ट फलकी भी हो सकती है, चौकोर भी हो सकती है और षट फलकी भी हो सकती है। तो दोस्तों अब इसके अलावा हमने ये प्रोसीजर तो कर लिया, यहाँ से हमने जो है इसका जो मशरूम हेड था, जो कॉलर लटक रही थी, उसे साफ तो कर दिया ग्राइंड करके। अब हम ऊपर से जब हैमरिंग करेंगे हैमर की सहायता से, जैसे ये हमारा ये चीजल है, चीजल पे ये आप हैमरिंग करेंगे इस तरीके से। तो जब हैमरिंग करेंगे तो ये जो सरफेस है इस सरफेस को फ्लैट बनाना होगा, प्लस ये जो कॉर्नर अभी इसके शार्प दिखाई दे रहे हैं, हमें इसको 10 से 12 डिग्री पर क्या करना होगा, थोड़ा सा टेपर बनाना होगा ताकि जो हैमर का पूरा इम्पैक्ट है वो इसके सेंटर पर पड़े। तो चलिए हम उसे भी ग्राइंड करते हैं। इसके लिए आपके हाथों की जो पोजीशन होगी उस पोजीशन को आप थोड़ा सा टेपर रखेंगे, जो कि लगभग 10 से 12 डिग्री के आसपास होगा सेंटर कोण से,
और कुछ इस तरह से ग्राइंड करेंगे। दोस्तों ग्राइंड करते समय आपको जॉब को मजबूती से पकड़ना होता है, क्योंकि ग्राइंड करते समय हमारा ग्राइंडर जो है वो काफ़ी पावर लेता है और इस पर आपको झटके लग सकते हैं। आप ग्लव्स पहन के रखें, ज़्यादा अच्छा है। सेफ्टी गॉगल अपनी आंखों पे लगा कर रखें, ये सुरक्षा एवं सावधानी है। और देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर मैंने इसको जो है ग्राइंड कर दिया है। जब आप रेगुलर ग्राइंडर पर इसका प्रयोग करते हैं, चीजल का या कोई भी जॉब ग्राइंड करते हैं, तो वो बहुत अधिक गर्म हो जाता है, इसलिए आपको ग्लव्स पहनने की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों अब देखा आपने, ये पूरी तरीके से हमारा सही बन गया है। अब हम इसको क्या काम करते हैं, चीपिंग ऑपरेशन करके देखते हैं। दोस्तों हमारे पास ये माइल्ड स्टील का एक जॉब है, इस जॉब पे हमें जो है चीपिंग ऑपरेशन करना है। तो अभी इस जॉब की मैं हाइट मेजर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसकी जो है हाइट मेजर किया, लगभग ये 51 mm के आसपास आ चुकी है। अब मुझे जो है इस जॉब में 51 है, तो लगभग 2 mm जो है इस पे चीपिंग ऑपरेशंस करना है। तो 2 mm के लिए मैं पहले 49 पे ये मैंने 49 सेट कर लिया है। 49 पे मैं यहां पर एक बार मार्किंग कर लेता हूं। ये जॉब एक्चुअल में क्या है, हेक्साइन करते समय ऊपर नीचे कट चुका था, इसलिए हमें जो है इसकी चीपिंग करके इस मटेरियल को हटाने की। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये ऊपर की तरफ स्पष्ट लाइन दिखाई दे रही है, इतना मटेरियल हमें हटाना है चीपिंग के द्वारा। इसके अलावा मैं और नीचे पर कर लेता हूँ 2 mm, ये मैंने 47 कर लिया है। 47 पर भी मैं मार्किंग करता हूँ। आप सावधानी से मार्किंग करेंगे, क्योंकि ये बहुत शार्प होता है हमारा वर्नियर हाइट गेज का स्क्राइबर। तो ये हमारी मार्किंग यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं चीपिंग ऑपरेशन पर। ये हम बेंच वाइस के पास आ चुके हैं। बेंच वाइस के पास में आकर के हमें हमारे जॉब को क्या करना होगा, सबसे पहले होल्ड करना होगा। तो वाइस को ओपन कर लेते हैं। वाइस में जॉब को आप जो है वर्टिकल पोजीशन पर लगाइएगा इस तरीके से। अब आपने जॉब को यहाँ पर होल्ड करना है पूरी ताकत के साथ में। ये आपकी चीजल है और ये आपका हैमर है। अब आपको पता है आपकी मार्किंग इधर स्पष्ट दिखाई दे रही है। स्क्राइबर की सहायता से, अभी जो अपने वर्नियर हाइट गेज में लगे हुए स्क्राइबर की सहायता से इस पे जो मार्किंग डाली है, यदि वो आपको स्पष्ट ना दिखाई दे तो आप पंच की सहायता से इन लाइनों को गहरा कर सकते हैं। अब चलिए हम थोड़ा थोड़ा देखते हैं, कोशिश करेंगे कि ये जल्दी से साफ हो जाए। ये माइल्ड स्टील है, ये माइल्ड स्टील का जॉब है। माइल्ड स्टील के जॉब में आपको जो है एंगल को थोड़ा सा प्रॉपर रखना है। आप थोड़ा थोड़ा इसे ग्रिपिंग बना लेंगे। ये ग्रिप बना लिया है, अब आप आराम से इसकी जो है चीपिंग कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा मजबूती से एंगल को थोड़ा प्रॉपर रखते हुए देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर ये इस तरीके से छिला हुआ हिस्सा मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये धीरे धीरे से चिप से निकलेंगी, देखिए। ये मैं आपको चिप्स दिखाता हूँ, इस तरह की चिप्स निकलेंगी ये छोटी छोटी। तो बहुत सावधानी से आपको ये काम करना है, देख पा रहे हैं आप इधर पे ये। Yeah.
आपको ग्लव्स जरूर पहनना है इस ऑपरेशंस को करते समय, क्योंकि चीजल फिसल सकती है और हाथों पे लग सकती है। दोस्तों आप देख पा रहे हैं इस तरीके से ये चिप्स बाहर निकल रही है। धीरे धीरे करके आप इसको ठीक इसी तरह से बाहर करते जाएंगे। जब ये चिप्स इस तरह से बाहर निकलते जाएगी, ये देखिए ये इसका चिप का एंगल बन रहा है, रैक एंगल। तो यहाँ इस तरीके से आप धीरे धीरे करके ये देख पा रहे हैं आप ध्यान से। चिप्स निकल रहे हैं। ये ऑपरेशन आप रेगुलर करेंगे तो आपका जो असमतल जॉब है वो एकदम समतल जैसा दिखाई देने लगेगा, जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं हमारे ट्रेनी जो हैं चिपिंग ऑपरेशंस कर रहे हैं। तो ठीक इसी तरह से आप रेगुलरली चिपिंग ऑपरेशन का ये जॉब तैयार कर सकते हैं। आज के वीडियो के लिए थैंक यू वेरी मच।